तो चलिए चलते चलते हमारा होटल भी आ गया, अब चलते हैं पार्किंग में और आपको देते हैं कंप्लीट इस होटल का टूर। थोड़ा काम वाम चल रहा है, तो चलिए होटल के अंदर चलते हैं। और बहुत ही पैक सा लग रहा है, अच्छा ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे डेकोरेशन चल रहा है जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी आने वाली है। यहाँ पे कृष्ण भगवान है और उनका पूरा सामने सजाया जा रहा है, पूरा डेकोरेट हो जाएगा मुझे लगता है कल तक। तो आई थिंक कल सुबह जब हम लोग ब्लॉग करेंगे तो आपको ये दिखेगा डेकोरेट किया हुआ कैसा है। और यहाँ पे भी रिसेप्शन है, बैठने के लिए कहा वहाँ बैठ जाते हैं हम लोग। चलो पानी, लेमन वाटर है, थैंक यू, वेलकम ड्रिंक मिल गया हमें। तो हम लोग आ चुके हैं होटल के अंदर और ये देखिए यहाँ का कॉरिडोर, वृंदावन का सरोवर पोर्टिको। तो ये वृंदावन का सरोवर पोर्टिको है और हमारा रूम नंबर है 522 मजे की बात है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग आ जाइए अंदर आते ही मेरे राइट साइड में है वॉशरूम। क्लीन है, सारा चीज क्लीन है, बट एक हल्का सा स्मेल अजीब सा आ रहा है, वो स्प्रे करवा लेंगे हम लोग, स्प्रे करवाएंगे। तो बाकी सब एमिनिटीज वगैरह तो सब दिया, जो जो होटल में होता है वॉशरूम में होता है वो सारी चीजें हैं, सब कुछ दिया हुआ है। प्रोडक्ट की सफाई भी है और ये भी दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लोअर। यस, मैं यूज नहीं करता हूँ ना, मुझे नहीं पता। बाकी सब कुछ आपको मिला, वॉश बेसिन भी साफ सुथरा, टॉवल भी रखा हुआ है। और यहाँ पे दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, बंद करते ही पीछे कवर्ड है। और ये पूरे होटल का मैप भी दिया हुआ है जो हर होटल में रहता है, कवर्ड में अच्छा हमने लगेज रखा हुआ है, लॉकर भी यहाँ पर रखा हुआ है, बस यही दो चीजें हैं यहाँ कवर्ड में। अच्छा, पानी की बोतल, चाय कॉफी, केटली की बोतल, केटली नहीं है, केटली फ्रिज है, फ्रिज भी रखा हुआ है, फ्रिज खाली है। और यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मिरर दिया हुआ है जहाँ हम देख सकते हैं। और ये देखिए इंटरकनेक्टर रूम, वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ दरवाजा था ये हमने खुलवा लिया है, ये सब लेट करके जो काम होता है इन लोगों का मोबाइल देखने का वो देख रहे हैं। और रूम किंग साइज बेड है, साथ में इधर वाह ये देखिए खुला गैया माता बिरला मंदिर में आके हमें दिख रही है, गौ माता ढेर सारी, कृष्ण भगवान की नगरी आके हमें गैया दिख गई है, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गौर, छोटा सा मोर मदन गोपाल। तो अच्छा है, मतलब खुला दिख रहा है, व्यू अच्छा है, होटल रूम अच्छा है, साफ सुथरा है। यहाँ पे एक बैठने के लिए, खाने पीने के लिए टेबल भी दे दिया है और साथ में एक काउच या सोफा जो कह ले। और यहाँ पे स्टडी के लिए थोड़ा सा क्या मतलब वर्क डेस्क कर सकते हैं यहाँ पे आपको, अच्छा बैठने के लिए साथ में दे दिया। टीवी का साइज भी अच्छा है। और यहाँ सबसे मजे की बात, ये लगेज रखने के लिए भी दिया, इसमें कपड़े उपड़े भी हम सुखा सकते हैं, एक्चुअली मल्टीपर्पज ये यूज है, लगेज भी रख सकते हैं, कपड़े भी सुखा सकते हैं। इधर लगेज का जगह स्पेस नहीं दिया है ना, तो दोनों रूम सेम है एक जैसा है, इस रूम का भी थोड़ा सा टूर करा देते हैं, इस रूम का भी टूर कराते हैं। ये लोग यहाँ पे देखिए अपना काम कर रहे हैं और ये थोड़ा बिखर चुका है रूम, अभी एसी थोड़ा ठंडा हुआ है, एसी या फैन का चल रहा है, तो फैन ऑफ कैसे हो गया, एसी चल नहीं रहा था इस वजह से हमें फैन दिया गया कि इस घर में, कहा कि हमारा एसी ना 20 मिनट के बाद ठंडा करना शुरू करता है, क्योंकि हमारे अभी तक देखिए हमारे पसीने नहीं सूखे हैं, तो हम लोग 20 मिनट का इंतजार कर रहे हैं, वैसे 20 मिनट हो गया लेकिन अभी तक ठंडा नहीं हुआ, अभी फैन ला के दिया, लाइट चला गया शायद, पावर कट हुआ है तो फैन ही बंद हो गया। तो हमने जब कंप्लेन किया तो फैन ला के दे दी कि थोड़ी देर बाद एकदम बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि चिल्ड होता है कि नहीं होता है। तो चलिए ये कह के गए हैं कि एसी अब पूरा टाइम चला के छोड़ देंगे सर, तो चिल लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और अभी हमने ब्रेकफास्ट तो नहीं लिया, बट देखेंगे अगर कुछ रेस्टोरेंट में बाकी बाहर होटल के आसपास और रिसेप्शन वगैरह भी सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं और कुछ जो भी आगे करेंगे आपको दिखाते हैं। तो उस रूम का एसी ठीक से काम नहीं किया, उन्होंने हमें दूसरा रूम दे दिया, दोनों रूम चेंज करा लिया हमने, क्योंकि दोनों रूम के एसी काम नहीं कर रहे थे। और ये बिल्कुल सेम ही रूम है, बस इसमें जो वहाँ पे वर्किंग डेस्क एक साथ लाइन में दिया हुआ था, इसमें ये अलग से वर्किंग डेस्क दिया हुआ है और दो सोफा लगे हुए हैं, है ना, ठीक है। इसमें एसी वैसी चल रहा है, बढ़िया मस्त है, चिल है, बाहर कर ले जा रहा है इसे हमें, क्योंकि इसके बगल वाला ही हमारा था वो वाला रूम।
ये है होटल का फ्रंट और यहाँ से हम लोग एंटर करते हुए रात में हम लोग आ चुके हैं बांके बिहारी टेम्पल और लाइन में भरे जा रहे हैं। आगे देखते हैं हमें हमारे दर्शन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। भीड़ तो अभी पता नहीं, समझ में नहीं। तो हम लोग घूम फिर के पूरा मथुरा नहीं वृंदावन पूरा घूम फिर के वापस आ चुके हैं। बहुत जगह भीड़ भी मिला। हम लोग फिर से अपने होटल पे आ गए सरोवर पोर्टिको पे। अभी चलते हैं अंदर। और ये क्यों ऐसा आ रहा है धुंधला सा? लाइट ज्यादा हो गई है। चलो 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 अंदर चलो। ऊपर देख लेते ना, ऊपर दिख रहा है। हाँ ऊपर दिख रहा है। चलो अंधेरे में इधर कार पार्किंग की जगह हमने भी गाड़ी यहाँ पार्क किया हुआ है। और ये जन्माष्टमी का सजावट चल रहा है और रिसेप्शन पे बीचों बीच लगा है भगवान कृष्ण जी की मूर्ति। ये देखिए सज गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या है? सही लग रहा है ना? टा 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 टा। ये देखिए रिसेप्शन का एरिया यहाँ पे। और बहुत सारी चीजें यहाँ मिल भी रही है। स्कैन कीजिए और ले लीजिए। यहाँ पे भी कपड़े मिल रहे हैं। हाँ यहाँ पे भी कपड़े मिल रहे हैं। ये क्या गीता है? अर्जुना से। अच्छा हाँ यह भगवत गीता है। वाह वेरी गुड। और गेम जोन वगैरह कहाँ पे? नीचे। चलो नीचे देख के आते हैं। अभी हम लोग आप लोगों को गेम जोन दिखाने वाले हैं। किड जोन वो आएगा तब तो। दीपांशु देखिए बैंक्वेट वाले उतार के लेके आए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा सा है। इसमें से ये बैंक्वेट है, कोई किड जोन नहीं है। ये यहाँ पे हेल्थ क्लब सैलून जिन है जिन, लेकिन नहीं है। उन्होंने ढूंढ लिया अपना किड्स रूम। कुछ है नहीं, लॉक है क्या? अंदर से भूत निकलेगा। अच्छा बच्चों का रूम छोड़ मेरे के जाओ बैठो। अभी सब में काम चल रहा है, सब बंद किया हुआ है। ऐसा में काम चल रहा है। अच्छा ये जिम है, देख लो भाई जिम भी कैसा है। देखिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर लोग इसमें ऐसे ठीक चल रहा है। बाकी रूम दिखा। तो ये है रेस्टोरेंट, लेकिन हमारा अभी डिनर नहीं। चलो देखना है खाना है क्या क्या, मतलब पहले हम सोचते हैं इसका फिर खाते हैं। की हमारे पास नहीं है और हम लोग फाइनली अपने फ्लोर पे आ गए। फाइव उतना हाँ, मतलब एक्चुअली रिपेयरिंग वर्क ज्यादा चल रहा है अभी। हम लोग जिस टाइम में है रिपेयरिंग वर्क ज्यादा चल रहा है, तो थोड़ा चीजें थोड़ी वो स्मेल अभी है पेंट वेंट का। तो रात हो चुकी है। देखिए वेदराज पढ़ाई कर रहा है होटल में आकर के, और ये लोग सोने का नाटक कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं भी अब चला सोने के लिए। रात 11 बज गया। हम लोग पूरा वृंदावन घूम फिर करके आ गए होटल रूम में। अब यहाँ पर रिलैक्स होते हैं। होटल ओवरऑल अच्छा है, मतलब सब कुछ है, बस मतलब जो चीज़ होना चाहिए एसी वैसी। हमने शुरू में पैसे वाले रूम में हमें एसी का प्रॉब्लम हुआ, आप चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फ़ैन भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा फैन टाइम में यूज़ कर रहा हूँ और सब कुछ ठीक है। अभी थोड़ा रिपेयरिंग वर्क चल रहा था, इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बढ़िया है। होटल साफ सुथरा, कमरे साफ, सब कुछ बढ़िया है। हमें अच्छा लग रहा है, हम सो जाते हैं। नींद अच्छी आनी चाहिए बस होटल में, और सोते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।